गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस। तो आज हम पढ़ेंगे फर्नेस के बारे में, कौन कौन से फर्नेस होते हैं जो हीट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं फॉर द मेल्टिंग ऑफ आयरन एंड स्टील्स। तो जब हम कास्टिंग करते हैं तो हमें या तो आयरन का बनाते हैं या फिर स्टील्स का बनाते हैं। तो उस कास्टिंग करने से पहले हमें क्या करना होता है, आयरन को मेल्ट करना होता है और स्टील्स को मेल्ट करना होता है, ताकि हम क्या करें प्रॉपर लिक्विड फेज में लाने के बाद उसको पोरिंग कर सके अपने रिक्वायर्ड डायमेंशन में। ठीक है फ्रेंड, तो हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस में बी डिफाइंड एज ए रिफ्रैक्टरी लाइंड चैम्बर इन विच मेटल पार्ट इज हीटेड टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। ये क्या है, एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बना हुआ है, हमारा क्या होता है चैम्बर होता है, जिसमें क्या होता है हम मेटल्स को हीट करते हैं एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर, ताकि वो क्या हो लिक्विड फेज में चेंज हो जाए। इट इज कंसिस्ट ऑफ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये रिक्वायरमेंट कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, विथ ए स्टील सेल, इसका सील एक स्टील का सेल बना हुआ रहता है बाहर से, एंड एक्सेस डोर्स एंड रिफ्रैक्टरी लाइनिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर्स। फिर उसमें कुछ डोर रहती है जहाँ से हमारा क्या होता है कुछ ऐस को निकाल सके, उसको साफ़ कर सके, वहाँ एक डोर रहती है जिससे हम क्या करते हैं मटेरियल को हम उसको पोर कर सके, हमारे जितने भी स्क्रैप वगैरह है उसको क्या ओपन करके उसको फिल कर सके जहाँ पे मेल्ट होता है हमारा। ठीक, तो उसमें कुछ डोर्स होती है, उसका सेल्स होता है स्टील का, और रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होता है उसका जो कवरिंग होता है जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बनाता है, जो बहुत ही क्या होता है हमारा हीट को सस्टेन करने में कैपेबल होता है। ऐसा नहीं है कि हम फर्नेस को चालू किए और हमारा क्या फर्नेस का दीवार ही मेल्ट होकर फैल गया, तो हमारा क्या होगा वो हमारा प्रॉपर फर्नेस नहीं होगा। ऐसा फर्नेस जिसका क्या हो जो जिसके दीवारें क्या होती है रिफ्रैक्टरी मेटल से बनी होती है, जैसे कि हमारे घर में मिट्टी के बनाए जाते हैं। ठीक है, जो अपने गाँव में देखा होगा जब जो कोयले वाले चूल्हे बनते हैं तो कोयला जब जलाते हैं तो उसमें क्या होता है सबसे पहले मिट्टी का उसका सेल बनाया जाता है, तब जाके उसमें बीच में प्रॉपर उसमें क्या होता है कोयला जल पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब लकड़ी का अगर सेल बना दिया जाए, अगर मेटल का सेल बनाया जाए तो क्या होगा तुरंत जल जाएगा लकड़ी और मेटल जल्दी गर्म हो जाएगा, तो हम क्या होगा फर्नेस को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल का यूज़ करते हैं फर्नेस को बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जब उसमें कुछ इंडिकेटर्स और लगे होते हैं जो कंट्रोल करता है कितना टेम्परेचर चाहिए, तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोलर्स वगैरह को ऐड करते हैं उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं फर्नेस का रिक्वायरमेंट क्या है। द फर्नेस के बेसिकली दो रिक्वायरमेंट है, पहला द फर्नेस शुड बी डिजाइंड सो दैट ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर इज सिक्योर्ड थ्रू द हीटिंग जोन। फर्नेस को एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जब कूलिंग करते हैं या फिर हीटिंग करते हैं तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर बन पाता है। तो हर जोन में क्या होना चाहिए यूनिफॉर्मली हीट होना चाहिए, टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, टेम्परेचर शुड बी रेडियली कंट्रोलेबल। और सेकंड क्या है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सके, कम चाहिए तो कम कर सके, तो कंट्रोलेबल होना चाहिए, नहीं कि बस जला दिए अब अपने हिसाब से वो मेल्ट हो रहा है, तो हमारा क्या होगा प्रॉपर हमारा जो हम स्ट्रक्चर चाहते हैं जो हमारा मार्टन साइट यू टेक्टोर जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा। तो मेल्टिंग फर्नेस को एक कंट्रोलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका कुछ टाइप्स है, जैसे कि पहला टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द यूजेज के पर्पस से एनीलिंग, अगर एनीलिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एनीलिंग फर्नेस, टेम्परिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परिंग फर्नेस, और कार्बोराइजिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कार्बोराइजिंग फर्नेस। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड हमारा अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट हमारा क्या ऑयल, हमारे पास ऑयल है तो ऑयल फायर्ड फर्नेस, गैस फायर्ड फर्नेस और इलेक्ट्रिक फर्नेस। जैसे कि आजकल तो मॉडर्न जितने भी हो इलेक्ट्रिक फर्नेस आ गए हैं हमारे घरों में, क्या होता है हम हीटर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक का होता है। ठीक, पहले हमारे क्या यूज़ करते थे, पहले ऑयल का फिला हुआ हमारा क्या रहता था चूल्हा था जिसको हम पंप करते थे फिर हमारा जलता था, फिर अभी क्या है LPG आ गया है, बहुत अच्छे अच्छे फर्नेस आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस आ गए हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस भी आ गए हैं। ठीक है, थर्ड हमारा है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्क, अब कैसा काम करना है, स्मॉल पार्टिकल्स को मेल्ट करके छोटा जॉब बनाना है या बड़ा जॉब बनाना है, नंबर ऑफ जॉब बनाना है या सिंगल जॉब बनाना है, तो
डिपेंड करता है, अगर बैच फर्नेस, अगर नंबर ऑफ जॉब को बनाना है तो बैच फर्नेस यूज़ करेंगे, कुछ कंटिन्यूस फर्नेस यूज़ करेंगे, सेमी कंटिन्यूस फर्नेस यूज़ करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू द वर्क, मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ है हमारा अकॉर्डिंग टू द वर्किंग इन्वायरमेंट, हम किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके हिसाब से भी इसको क्लासीफाई किया गया है, एयर फर्नेस। ठीक है, एयर के हेल्प से भी हम उसको, इन्वायरमेंट से हमारा क्या होता है, अगर हम खुली हवा में काम कर रहे हैं तो क्या होता है, हवा चलने से हमारा टेम्परेचर डाउन होने का चांस रहता है। ठीक, प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर फर्नेस, जहाँ प्रोटेक्टिव है वहाँ पे अलग फर्नेस यूज़ करेंगे। स्पेशल एटमॉस्फेयर फर्नेस, जहाँ पे मान लीजिए कि किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी फर्नेस का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो केमिकल रिएक्शन करने का चांस हो सकता है, कोई टैंक फटने का चांस हो सकता है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। लास्ट हमारा लिक्विड बाथ फर्नेस, हमारे यहाँ लिक्विड का एक बाथ रहता है जिसमें हम क्या कहते हैं, साल्ट बाथ, लीड बाथ और ऑयल बाथ का एक कंटेनर रहता है, इसके हिसाब से हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट अगर देखें अकॉर्डिंग टू द यूज़, तो हमारा समटाइम्स सम फर्नेस आर द यूनिवर्सल टाइप, दे आर सुटेबल फॉर मेनी हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशंस, जस्ट लाइक एग्जांपल बैच टाइप फर्नेस एक्सटेंसिवली यूज फॉर द एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड हार्डनिंग एंड पैक कार्बोराइजिंग। तो हमारा जो बैच टाइप फर्नेस होता है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या मल्टीपर्पज फर्नेस होता है, इसको लिए हम एनीलिंग भी कर सकते हैं, इससे नॉर्मलाइजिंग भी कर सकते हैं और हार्डनिंग भी कर सकते हैं, इसके पैक कार्बोराइजिंग भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है हमारा क्या फर्नेस एक मल्टीपर्पज भी हो सकता है, उसको कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड हमारा क्या था अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फिर एक होता है हमारा ऑयल फायर्ड फर्नेस, जो हमारा क्या होता है ऑयल के हेल्प से बर्न होता है, तो ऑयल इज़ वेरी इफिशेंट फॉर द हीटिंग, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड इज रिलेटिवली हाई टेम्परेचर से 1200 डिग्री सेल्सियस और मोर, बट इफ़ द टेम्परेचर हैज़ बी लोअर ऑयल केसेस टू बी इकोनॉमिकल एंड टेम्परेचर इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ऑयल हमारा क्या है इफिशेंटली हमको मिल जाता है, तो इसका टेम्परेचर का लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी हम लोग हीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी कभी क्या होता है इसमें लोअर टेम्परेचर करने के लिए हम क्या डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाता है, उसको टेम्परेचर कम नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल जब हम जला दिए बर्न कर दिए, जब तक वो जलेगा नहीं तब तक वो ठंडा होगा नहीं, तो इसमें क्या होता है इसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑयल फायर्ड फर्नेस इज सिंपल इन डिज़ाइन, इसमें क्या डिज़ाइन सिंपल होता है, बस एक टैंक का फ्यूल ऑन करेंगे हम, बर्नर को ऑन करेंगे और हमारा फर्नेस क्या होगा चालू हो जाएगा। जैसे कि मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ऑयल फायर्ड फर्नेस हमारा वो वीडियो भी अवेलेबल नहीं है शायद, ठीक है मैं आगे दिखा दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं गैस फायर्ड फर्नेस। गैस फायर्ड फर्नेस क्या है, इट इज इकोनॉमिकल एंड बेटर देन ऑयल फायर्ड फर्नेस। गैस क्या होता है हमारा सस्ता होता है ऑयल के कंपैरिजन में। ठीक है, इट इज़ हैव सिंपल डिज़ाइन एंड कैन बी ईजिली कंट्रोल्ड। गैस को हम क्या कर सकते हैं ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं और इसको आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इट कैन बी यूज फॉर बोथ लो एंड हाई टेम्परेचर हीटिंग। तो गैस क्या है ऑयल के कंपेरिजन में अच्छा भी होता है, सस्ता भी होता है और आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं इसको। इसको कंट्रोल करना भी ईजी होता है क्योंकि उसका हम क्या रेगुलेटर के हिसाब से हम क्या करते हैं गैस को कंट्रोल करते हैं, जितना हम प्रेशर देंगे जितना हम फ्यूल इसको प्रोवाइड कराएंगे उतना ही हमारा क्या होगा गैस फायर होगा। तो गैस फायर्ड फर्नेस इज हाईली परफेक्टेड, तो हमें क्या था ज़्यादा प्रीफर करते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अगला मतलब इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक दी ज़्यादा एक्सटेंशली यूज बिकॉज दे हैव यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर।
इलेक्ट्रिक में क्या होता है, यूनिफॉर्मली हमारा टेम्परेचर हीट होता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट चैम्बर भी अच्छा होता है उसका। इट इज़ जनरली रेजिस्टेंस टाइप इन विच हीट इज जनरेटेड बाय द करेंट पासिंग थ्रू द ए हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफ मेटल्स निकेल क्रोमियम एलॉय एंड सिलिकॉन कार्बन। तो हमारा इलेक्ट्रिक फर्नेस क्या होता है, बहुत अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक में क्या होता है, मान लीजिए हमारा फर्नेस है जिसमें हम इसका कॉइल हीटिंग कॉइल है, तो इसका जो हीटिंग कॉइल फिर से जो हमारा हीटिंग होता है ये यूनिफॉर्मली हमको हीटिंग प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर देता है। ये नहीं कि कहीं पर कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन ऑयल और गैस में कभी कभी क्या होता है कि हमारा वो कभी कभी वैरी करता है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक में क्या होता है यूनिफॉर्मली टेम्परेचर को प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस भी प्रीफर करते हैं। आगे का टास्क मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड्स। थैंक यू।